हेलो दोस्तों, मेरा नाम पोली जुगाड़ू। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब करें, अगर आप पहली बार आए हों तो। और वीडियो लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि वीडियो कैसे बनाई है। तो आज हम बनाते हैं नज़र का धागा। काली नज़र का धागा हमारे बहुत नेगेटिव एनर्जी से बचाता है। ये है नज़र का धागा। अगर हमने गले का बनाना है तो हम बड़ा लेंगे, अगर हाथ का बनाना है तो हम जो मैंने इसमें मुपाइश ली है उसके मुताबिक हमारा हाथ में ये आराम से पूरा आ जाएगा। हमने 1 मीटर धागा लिया है, उसको हमने 4 बार लपेटा है ताकि थोड़ा मोटा हो जाए। ये देखो, 4 4 बार मैंने इसको डबल किया है। मतलब कि कहने की बात यह है कि 4 मीटर धागा लिया है, जैसे मैंने वीडियो में गांठ लगाकर बताया है। देखो, मैंने धागा काट लिया है, इसको पहले अच्छे से बिल्कुल अच्छे से सीधा कर ले ताकि इसमें कोई सलवट ना रहे। ये देखो, जैसे मैंने ये जैसे उंगली के साथ मैंने बीच में गांठ सी बनाई है, वैसे ही आप बना लेना। और उसमें उसके अंदर से फिर उसको दोबारा डाल डाल कर उसको एक चोटी जैसी घुस जाएगी। ये हमारा धागा नज़र के लिए तैयार है। ध्यान रहे कि जब हम नज़र का धागा बना रहे हैं, हमारा ध्यान इधर उधर मत होए। अगर हम गायत्री मंत्र बोल सकते हैं तो वो बोलें, अगर नहीं भी बोलें श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः कह के ये हम धागा बड़े प्यार से बिना बोले बना सकते हैं। ये काला नज़र का धागा होता है, हमारे को नेगेटिव एनर्जी से बचाता है, तो हमारे को नज़र भी नहीं लगती। अगर खिलाड़ी होते हैं वो अपने पैर में बांध लेते हैं, बच्चे पढ़ाई के समय लिखते हैं। आजकल गले में धागा बांधने से बच्चों को शर्म आती है। हाथ की कलाई पर ब्रेसलेट की तरह इसको बांध सकते हैं, पैर में पायल की जगह डाल सकते हैं, और हम इसको कमर में भी बांध सकते हैं अगर हमने नहीं दिखाना है किसी को। ये देखो, जो हमारा नज़र का धागा बनकर तैयार हो रहा है, देखो कितनी प्यारी सी, एक बड़ी प्यारी सी इसमें चोटी की तरह गुज गई है। ये देखो, ये हमारा नज़र का धागा हमारे को नेगेटिव एनर्जी से बचाता है। और ये तो शुरू से ही परंपरा चली आ रही है, नज़र का धागा बांधना, काला टीका लगाना। ये देखो, हमारा नज़र का धागा बनकर तैयार होने वाला है। अगर आपने गले का बनाना है, थोड़ा इसको बड़ा धागा ले सकता है। ये हमने हाथ के लिए बनाया है, इसको हम हाथ में पहनेंगे। हम इसको पैर में भी पायल की जगह पहन सकते हैं। ये हमारा हो गया नज़र का धागा तैयार। ये देखो, ये लास्ट है, बस अभी लास्ट हमने बंद कर दिया है इसको। अब हम इसको हाथ में पहना कर आपको दिखाएंगे। ये देखो, ये हमारा धागा बनकर तैयार हो गया है। ये हमने अपने हाथ के लिए बनाया है। देखो, हाथ में बुरा भी नहीं लगता और नेगेटिव एनर्जी भी नहीं आती, किसी की नज़र भी नहीं लगती। ये हमारा धागा बनकर तैयार हो गया है। बन गया ना कितना प्यारा सा सुंदर सा धागा। ये तकरीबन सामान घर में ही पड़े रहते हैं, हमारी कॉस्ट भी नहीं लगती इस पे, ना हमें कहीं बाहर जाना पड़ता है, हम घर में ही इस धागे को तैयार कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं तागड़ी, जो बच्चों को कमर पे पहनाई जा सकती है, जो राम कृष्ण ने भी पहनी थी। ये शुरू से ही परंपरा चली आ रही है कि तागड़ी बांधने की, इसका हमें छोटे बच्चे के हिसाब से वो लेना है। अब हम 3 4 साल के बच्चे की तागड़ी बना रहे हैं। हमने 1.25 मीटर धागा लिया है, वो हमें डबल करना है। 2.5 मीटर धागे का 1.25 मीटर हो जाएगा ये। ये देखो, हमने इसको डबल कर लिया है। अब हम इसको पहले गांठ लगाएंगे, दोनों सिरे पकड़कर हमने गांठ लगा ली है। अब हम इसमें घुंघरू डालते हैं, कहीं चांदी के डालते हैं, सोने के डालते हैं, 7 घुंघरू, 11 घुंघरू, 21 घुंघरू, अपनी मर्जी मुताबिक इसमें डाल सकते हैं। अब देखो, हमने गांठ लगाई है, ये पहली गांठ और ये दूसरी गांठ। दूसरी गांठ हमने इसलिए लगाई, इस तरीके से लगाई है कि ये हमारी छोटी बड़ी हो सके, कमर में एडजस्ट हो सके, ताकि
ताकि हर रोज़ रोज़ बनाना ना पड़े। बड़े बढ़ते बच्चे की कमर बड़ी होती रहती है, उसमें थोड़ा सा कम ज़्यादा भी करना पड़ता है। अब देखो हम इसको सुई की मदद से, हम इसमें जो हमने घुंघरू लिए थे, मैंने तो 7 घुंघरू लिए हैं, ये हमने घुंघरू सुई की मदद से इस धागे के अंदर बांध लिए हैं। हम यह चांदी के भी ले सकते हैं, सोने के भी ले सकते हैं। जब बच्चा चलता है और छम छम करके चलता है, सुंदर लगता है, अच्छा प्यारा लगता है। जब बच्चा दौड़ता है, वो जैसे हमने अभी रामायण देखी थी, उसमें जब छोटे छोटे राम लक्ष्मण होते हैं, वो भी छम छम करके दौड़ते हैं। कृष्ण जी ने भी पहनी थी, ये सब बचपन से ही, पहले सदियों से ही परंपरा चली आ रही है तागड़ी की। तागड़ी पहनने के फायदे बहुत हैं। एक तो काले धागे में है, दूसरा बच्चे के अंग इससे सही रहते हैं, खास करके लड़कों को पहनाई जाती है घुंघरू वाली तागड़ी। इसको हम तागड़ी बोलते हैं, नजर का धागा बोलते हैं, सब अपनी अपनी भाषा में इसको कुछ कुछ बोलते हैं, जो जिसको अच्छा लगे वो बोलते हैं। पर इसको राम लक्ष्मण ने भी पहनी थी, कृष्ण बलराम ने भी पहनी थी। जब आंगन में चलते थे, वो जो यशोदा मैया दशरथ उनके पीछे पीछे दौड़ते थे उनको पकड़ने के लिए, कहते थे तगड़ी कितनी बच्चे की प्यारी बज रही है, चमचम करते चलते, ये हमारी तगड़ी बनकर तैयार हो गई है। ये देखो जो हमने वो एक सिरे पे गांठ लगाई थी कि वो गांठ खुल ना जाए, उसके ऊपर थोड़ा सा फलवे टाइप, फ्लावर टाइप, उसके ऊपर फुंदा भी बोलते हैं, फलवा भी बोलते हैं, फ्लावर भी बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं, सबकी अपनी अपनी भाषा है। ये देखो हमने ऊन थोड़ी सी दौका लिया, उसको उंगली पर लपेटा, जो गांठ लगाई थी उसके बीच में से निकाल के इसको धागे से अच्छे से कस के हमने बांध दिया, ताकि फलवा सा तैयार हो गया, बच्चे को सुंदर लगता है। ये देखो इसको हमने बांध लिया है, देख रहे हो ना वीडियो में, जैसे वीडियो में देखा आप वैसे ही बनाए। और वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को बताएं। ये चीज़ें बाजार में से इतनी अच्छी नहीं मिलती, जो घर में बहुत अच्छी और मजबूत और प्यारी सी बन जाती हैं। घर में कोई कॉस्ट भी नहीं आती, घर में तकरीबन सामान पड़े रहते हैं, हम उन सामानों से इसको बना सकते हैं। देखो कितनी प्यारी तगड़ी बन गई हमारी। घुंघरू भी बांध दिए, तगड़ी भी बांध दी, और ये छोटा बड़ा भी हो सकता है। आपको ध्यान रहे, आपके घर में काली ऊन हो या काला एक रेशमी सा धागा आता है, वो भी किसी भी चीज़ से आप बना सकते हैं। देख रहे आप, ये तगड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब हम बनाएंगे छोटे बच्चे का नजरिया। अगर बड़े पहने, हम इसको ब्रेसलेट ही बोलते हैं। हमने काले और सफ़ेद मोती लिए हैं, हमने 2 सुई ली हैं, 2 सुइयों में धागे डाले हैं। पहले हमने 4-5 धागे उसके मुताबिक डाल लिए हैं 1 सुई में, फिर हम इसको दूसरी सुई की मदद से उन्हीं उन्हीं मोतियों में से उसको निकाल लेंगे। ये देखो अब हमने दोनों सुई उन मोतियों में से निकाल ली, देख रहे हो ना आप जैसे वीडियो में। ये देखो दोनों सुइयों में से हमने मोती निकाल लिए। अब हम अलग अलग सुई में मोती डालेंगे, काले और सफेद, मर्जी आप इसका, जैसा भी डिजाइन बनाना चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। देख रहे हो ना, एक पहले एक सुई में डाले, अब दूसरी में डालेंगे। ये देखो जैसे हमने पहले वाली में डाले, वैसे ही हम दूसरे वाली में डालेंगे। ये देखो जैसे हमने स्टार्टिंग में डाला था, पहले सुई में 4-5 मोती एक में डाल के दूसरे में निकाल लेंगे। ये देखो देख रहे हो ना, ये हमने नजरिया बनाकर तैयार कर रहे हैं। छोटे बच्चे के हाथ में, पैर में, गले में आप कहीं भी पहना सकते हैं, ये बुरी नजर से बचाता है। इसका नाम ही स्पेशल नजरिया है। ये देखो दोनों साइडों में गांठ लगा दी, ताकि मोती ना निकले बाहर। हम इसको काले ऊन में बना सकते हैं, रेशमी धागे में भी बना सकते हैं। ये हमारा नजरिया बनकर तैयार हो गया है।
अब हमने नजर के तीन चीज बनाई है। पहले हमने नजर का धागा बनाया, फिर टागड़ी बनाई, फिर हमने नजरिया बनाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को करें, व्हाट्सएप करें। वीडियो के बारे में आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको कैसी वीडियो चाहिए आगे के लिए। प्यारे दोस्तों, थैंक यू। जो भी वीडियो देखें आप लास्ट तक ज़रूर देखना, लास्ट तक ज़रूर देखना वीडियो।